जिसको श्री नारद जी कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक में तो ये मानव जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ है जीवन में किसी शुद्ध संतों का दर्शन मिलना, जिसके लिए भागवत ने बताया तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग न अपुनर्भव। जीवन में एक लव अगर जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो कि जिसको साथ में स्वर्ग और मोक्ष भी बराबर नहीं किया जा सकता है, कहते सत्पुरुषों का शुद्ध संतों का दर्शन इतना दुर्लभ है कि ठाकुर जी का दर्शन सुलभ है, ठाकुर जी खड़े हैं दर्शन कर लो, लेकिन ठाकुर जी हमारा कल्याण नहीं करते। अगर हमारा कोई कल्याण करता है भगवान का भक्त लोग ही हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़, सारे शास्त्र का जो सिद्धांत है, सारे शास्त्र एक स्वर में बताते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे। हर शास्त्र में एक ही उपदेश दिया है, जीवन में अगर कोई सुख और वास्तव जीवन में कोई शांति चाहता है केवल सत्संग द्वारा ही जीवन में कोई सुख को प्राप्त कर सकता है। जिसको एकादश स्कंध में कृष्ण स्वयं उद्धव कहते हैं, कहते हैं उद्धव जी अगर अभी मुझे कोई जीवन में प्राप्त किया है, छोटे से छोटे जाति पशु पक्षी कीट पतंग बंदर इंसान जो कोई अभी तक मुझे प्राप्त किया केवल सत्संग द्वारा ही मुझे प्राप्त किया, और कोई उपाय नहीं है। एक समय भगवान कृष्ण सारे शास्त्र को मैंने बुलाया, वेद उपनिषद पुराण वेदांत सूत्र महाभारत गीता सब शास्त्र को भगवान एक दिन बुलाए। भगवान बुला करके भगवान उनको प्रश्न किया, कहते मेरे के प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताइए क्या प्रश्न है। कहते मेरा प्रश्न है जीवन में अगर सही शांति अगर कोई पाना चाहता है उसको कोई उपाय है, सबसे सरल उपाय क्या है, सबसे सरल क्या उपाय है जो कि भगवान को संतुष्ट कर सके और भगवान आसानी से संतुष्ट हो जाए, जीव को परम शांति मिल गई, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने वेद को खड़ा किया, कहते वेद बताओ तुम्हारा इसी विषय में क्या विचार है। तो उन्होंने वेद खड़े होकर के श्यामम छबलम प्रपदे छबलम श्यामम प्रपदे, उन्होंने वेद के सारे ऋचाओं को उन्होंने एक एक कर उच्चारण किया। भगवान सुन करके बोले हाँ तुमने कुछ बोले हो।